आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज सच का पहरेदार। पिछले दिनों हुई बारिश ने उत्तराखंड में जमकर कहर बरपाया है, जिसकी वजह से सतपुली क्षेत्र में सिसलड़ी मोटर मार्ग बंद होने से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पौड़ी गढ़वाल में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सतपुली क्षेत्र में दो दिनों से सिसलड़ी मोटर मार्ग बंद है। इसके साथ ही इलाके के दो दर्जन से अधिक गांव अंधेरे में है। वहीं दूसरी तरफ बीते दो दिनों से इस क्षेत्र में बिजली भी गुल है। विभाग अभी तक व्यवस्था सुचारू नहीं कर पाया है, जिससे आम जन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क मार्ग अवरुद्ध होने के कारण बड़ी संख्या में लोग सतपुली बाजार में ही फंसे हुए हैं। बाधित हो गया था, उसके लिए हमने संबंधित विभाग को निर्देशित किया था, जिसके तहत कल से ही लगातार यहाँ पर दो जेसीबी कार्यरत हैं तथा बार बार पहाड़ी से मलबा आ जाने के कारण रोड बार बार ब्लॉक हो जा रहा है। इसके लिए हमने एक जेसीबी को एक्स्ट्रा भी एक और को बुला लिया है। लगभग एक घंटे में सतपुली दुधारखाल मोटर मार्ग खुल जाएगा। इसके साथ ही मेरी क्षेत्रीय जनता से भी अपील है कि वह 19 और 20 तारीख को अपने घरों में बने रहें। भारी बारिश की जो चेतावनी राज्य सरकार द्वारा दी गई है, उसका अनुपालन करके अपने घरों में बने रहें। उप जिला अधिकारी संदीप कुमार का कहना है कि जल्द मोटर मार्ग को खोल दिया जाएगा, साथ में जल्द से जल्द बिजली की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये हालात तब हैं जब ये पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का गृह क्षेत्र है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि बाकी हिस्सों के क्या हाल होगा। पौड़ी गढ़वाल से भगवान सिंह की रिपोर्ट।